तुझ पे जल मैं चढ़वाती हूँ। तुझे पता है कि मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ और तू यहाँ जल चढ़ा रही है, चाय कौन बनाएगा? दीदी आप नाराज मत हो, मैं आपके लिए चाय अभी बना देती हूँ। रुक जा, तेरी शिकायत मम्मी से लगाती हूँ, वो चढ़वाएंगी तुझसे जल। मम्मी मम्मी, क्या बात है बेटी, कैसे गुस्सा आ रहा है? अब चाय भी क्या मुझे खुद बनानी पड़ेगी अपनी? क्यों स्वाति क्या कर रही है? मम्मी महारानी ऊपर खड़ी धूप सेक रही है। अच्छा स्वाति स्वाति। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, तू धूप सेकने आई है या घर का काम करने आई है? माँ जी मैंने तो दीदी से कहा था कि मैं अभी बना के चाय दे रही हूँ। झूठी मम्मी, देखना कितना झूठ बोल रही है। मेरी बेटी को झूठा और ठहरा रही है। सुनते हो जी? क्या हुआ, कैसे सोना चाह रही है? इस नौकरानी के होते हुए क्या अब तुम्हारी बेटी चाय बनाएगी? मैं तो इसे मार मार के थक लिया, अब राहुल को आने दो, वो ही देखा है। अब तू ऐसा कर, तू कॉलेज चली जा और ले ये पैसे ले जा, अगर तुझे भूख लगेगी ना खा लियो कुछ, जा। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। अजी सुनते हो? अजी मैं तुम्हें तो कह रही हूँ। मैं सुनता ना हूँ, बोलो। एक बात बताओ, इस स्वाति की बच्ची का कुछ इलाज करोगे या नहीं करोगे? मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं इस स्वाति की बच्ची को कैसे निकालूं, मगर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा कहा मानो। बता मैं तेरा कहा कब नहीं मानता। राहुल से कहो स्वाति को वो ही सीधा करेगा। उठे कह रही है। राहुल राहुल इधर आइयो। हाँ पापा जी। इस उम्र में तेरी माँ काम करेगी? अब माँ क्यों काम करती, स्वाति काम करेगी। उसे क्यों मैं डाल लगू ले गया हूँ? फिर ये तेरी माँ क्यों लगी पड़ी है काम में? ये तो अपना आप लगी रहे, मुझे बताओ मैं ठीक करूँ उसे। तो कर फिर, मैं भी जा रहा हूँ बताऊंगा। अब देखो अब आएगा मजा। अरे अपने मजे के चक्कर में मेरी चाय मत भूल जाइयो, जा एक कप चाय ला दे मुझे। ये क्या कर रही है तू? वो मैं कपड़ों की तह बना रही थी। मेरे मम्मी पापा वहाँ भूखे बैठे हैं, मेरी माँ सब्जी काट रही है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? जी मैंने तो खाना सुबह ही बना दिया था और मम्मी तो बेमतलब में सब्जी काट रही है। और मैंने मम्मी से खाना खाने के लिए भी बोला था और ये भी कहा था कि पापा जी को भी खिला दो, पर मम्मी झूठ क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी माँ झूठ बोल रही है? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किचन में जाके देख ली कि मैंने खाना बनाया है कि नहीं। किचन में तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुझे देखूंगा। बता करेगी टाइम पे काम? नहीं करेगी बता। तू अभी मुझे जानती नहीं है, बहुत हरामी चीज हूँ मैं। जी आप जिस टाइम जो कहोगे मैं वो ही करूंगी, कुछ भी करना पड़े। आज के बाद ध्यान रखिए, अगर मेरे माँ बाप ने दोबारा शिकायत करी ना तो तेरी खाद उजेड़ दूँ, समझ गई?
ये तो हमारे घर की नौकरानी है। फोन आया। मंत्री साहब, मैंने आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठीक है अंकित, ये मेरे मम्मी पापा। कटवाई तूने मेरी ना, अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? चुप हो जाओगी? हमारी बेटी कितनी समझदार है, पैसे बचवा दिए ना, कहां से कटवा दी? और देखो ना कितना सुंदर दामाद है हमारा, मैं तो वारी जाऊं। ये सब बातें मुझे पसंद नहीं, अगर समाज में भी तो मेरी कोई इज्जत है। अजी राहुल की शादी में क्या आया था? आई थी एक निकम्मी बहू। यार तुम्हारे पापा तो बहुत नाराज हो रहे हैं, अब क्या होगा? टेंशन मत लो, मम्मी तो हमारे पक्ष में है ना। देखो जी, आजकल के बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, हमारा तुम्हारा जमाना तो गया, अब चलो। चलो चलते हैं। कहाँ चली? हमारा रूम किधर है? अच्छा बाबा चलो, मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ। हमारा कमरा, ठीक है? अब तुम आराम करो और मैं आती हूँ। तुम कहाँ चली? इधर आओ। अच्छा डालेंगे, बात तो बताओ, लेडीज कौन थी? छोड़ो। अरे बताओ ना बाबा। वैसे है तो मेरी भाभी। अच्छा। पर किसी नौकरानी से कम नहीं। अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है। ये मौका भी हाथ से चला गया। अगली बार देखता हूं साली कैसे बचती है। दीपा बेटी। हाँ जी पापा। बेटी तूने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, अब तू अपने घर कब जाएगी? पिताजी उन्होंने मेरी वजह से अपना घर तो छोड़ दिया पिताजी, वो तो अब हमारे साथ ही रहेंगे। बेटे जैसे तेरी मर्जी, बाकी तेरी इच्छा।
तक भाभी यहाँ रहेंगी ना तब तक पिताजी मुझे यूं ही ताने मारते रहेंगे। उन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। हाँ क्या हो गया बता जी। मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ बोल। दीदी के बारे में कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल तो सही। अब तो दीदी की शादी भी हो गई है। दीदी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। दीदी को अपने ससुराल चला जाना चाहिए। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको है ना ससुराल में ठीक रहता है, महके में नहीं। तू कौन होती है बोलने वाली? ऐसा है अपनी औकात में रह, समझ गई? इस घर में रहना है तो। सुनो जी चाय ले। अभी चाय। थैंक यू। इतनी अच्छी चाय कहाँ खो गई हो? अरे क्या बताऊँ तुम्हें, जो मेरी भाभी नहीं नहीं भाभी नहीं नौकरानी, मेरा मन करता ना कि मैं उसका मर्डर कर दूँ। अरे तो इतनी सी बात, ये तो मेरे भाई का खेल है। कैसे? तुम तो बिल्कुल मेरे पे गए हो। वेरी गुड। पूछना दीदी क्या ये सोची? इस खेल का पूरा रचयिता तो तू है, तू ये शकुनी मामा। अबे शोर मत मचा और यहाँ से चला जा, पिट जाएगा मेरे से। इसको समझाओ जरा। तू मुझे जाने के लिए बोल रहा है? तू हमारे टुकड़ों पर पल रहा है हमारे घर में? मचाने से झूठ को सच में साबित नहीं कर सकता तू। मैंने खुद अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। पूरी प्लानिंग कर रहे थे ना इसे मारने की। अरे बाल को क्यों लग रहे हो? क्या बात हो रही है आपस में यार? माँ इसने आज स्वाति को जहर देके मारने की कोशिश करी। ये तू क्या कह रहा है? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। माँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर यकीन नहीं है तो पूछो अपनी बेटी से। तू बेटी क्या यू सच कह रहा है? तू अपनी बहू को बचाने के लिए मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है? पिताजी मैं सच कह रहा हूँ, ये बहू तेरी अपनी कब से हो गई? तू रो मत, अब हम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे।
चलो। रोए ना मुझे माफ कर दे मेरे बच्चा, मैं तुझे समझ भी नहीं पाई, बहुत दुख दिए मैंने तुझे। मेरे बच्चे ऐसी अच्छी है तो देवी जैसी। चुप हो जा, फिर पहले की तरह ही अपना खुश रहो सबके सब। सॉरी भाभी। चुप हो जा, कोई बात नहीं, तो मेरी बहन जैसी है ना। चुप हो जा। प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह का भूला हर शाम को घर तक आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। खुश रहो बेटा, सब मिलके रहो, अच्छा लगेगा मेरी बेटी। चुप हो जा। अरे पिताजी, आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी बहू ही बेटी हूँ और बेटी ही रहूंगी। चलो बेटा, चलो अंदर, चलो बेटा, चलो सब अंदर, चलो बेटा।